अब आगे बढ़ते हैं। मौलाना चलाएंगे अघाड़ी की गाड़ी, ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाविकास अघाड़ी को समर्थन कर सकता है। बड़ी खबर जानिए आप। हालांकि समर्थन के लिए उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के सामने कई शर्तें रखी हैं। उलेमा बोर्ड ने 17 मांगों वाला पत्र उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को भेजा है। इन शर्तों में अहम है वक्त बिल का विरोध करना और साथ ही साल 2012 से 2024 के दौरान दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग पत्र में बात लिखी गई है। सवाल यह है कि क्या वोट के लिए उद्धव ठाकरे अपने सिद्धांतों से सरेंडर कर देंगे और क्या महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अब मुस्लिम वोट के सहारे चलेगी। देखिए, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने शर्तें रखी हैं। हालांकि समर्थन देने की बात कही लेकिन समर्थन के साथ साथ शर्तें भी रखी हैं। देखिए, उलेमा बोर्ड की शर्तों की पूरी सूची हमने तैयार की है, वो आपको हम बताते हैं। देखिए, आपको पूरी जानकारी देते हैं। 17 शर्तें हैं। पहली शर्त जो है वक्त बिल का विरोध करें, इस बात का जिक्र किया गया है। दूसरी शर्त है नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण। इसके अलावा तीसरी शर्त आपको बताएं, 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन का आयुक्त के जरिए सर्वे, इस बात का भी जिक्र है। और चौथी जो शर्त है, महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए, इस बात का भी जिक्र है। और 2012 से 2024 तक दंगे के आरोपों में जेल में बंद मुसलमानों की रिहाई होगी, इसका भी जिक्र किया गया है। साथ ही मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए महाविकास अघाड़ी के 30 सांसद पीएम को खत लिखें, इस बात का भी जिक्र है। इसके अलावा देखें, महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा किया जाए, इस बात का भी जिक्र है। और साथ ही पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता मिले, इंडिया गठबंधन रामगिरी महाराज और नीतीश राणे का विरोध करें, इस बात का भी जिक्र है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं 10वीं शर्त कौन सी है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर सरकारी समिति में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना रहेंगे, इस बात का भी उसमें जिक्र किया गया है। और विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट मिलना चाहिए, ये भी मांग है। और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती कराई जाए। इसके अलावा वक्फ की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बने। 14वीं जो मांग है वो आपको बताएं, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानून बनाकर एक्शन लिया जाए, ये भी मांग रखी गई है। और साथ ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए। आगे बढ़ते हुए भारतीय उलेमा बोर्ड की मांग को मंजूरी का आश्वासन पत्र दें। और 17वीं और आखिरी मांग, अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड को प्रचार के लिए जरूरी मदद दें, इस बात का भी जिक्र किया गया। तो समर्थन महाविकास अघाड़ी को देने की बात और समर्थन के साथ साथ शर्त जो रखी गई वो विस्तार से सारी जानकारी हमने आपके सामने रखी। देखिए, महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा दें। मुस्लिम समाज से जुड़े हुए 17 मुतालबात हमने अघाड़ी के कई दिन से किए। अगर हुकूमत आती है तो ठीक है, नहीं आती है, अगर ये लोग अपोजिशन में आते हैं तो वहां भी बैठकर हमारे जो ये मुतालबात हैं उन पर वो तवज्जो दें, आवाज उठाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। तो देखिए, अब क्या मौलाना चलाएंगे अघाड़ी की गाड़ी, ये सवाल इसीलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि समर्थन देने का ऐलान किया गया है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ओर से महाविकास अघाड़ी को। लेकिन अब इस पर सियासी बयानबाजी किस तरीके से होगी उस पर भी लगातार नजर रहेगी। जो तमाम मांगे वो भी हमने आपके सामने रखी, किन किन बातों का जिक्र किया गया है। समर्थन देने का ऐलान किया गया है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास अघाड़ी को, लेकिन समर्थन साथ साथ शर्तें भी। और जो ये समर्थन और शर्तों का जिक्र किया गया है, मेरे साथ ही मृत्युंजय जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सीधे आइए उन्हीं का रुख करते हैं। मृत्युंजय, अब इसको लेकर किस तरीके से वहां पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं और महाविकास अघाड़ी का टेक आया है क्या इस पर? देखिए, थोड़ी देर बाद देश में कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल से सीएम सुक्खू और रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के सीएम
और साथ ही साथ डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के, ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुंबई के तिलक भवन में। वहीं पर कांग्रेस के अन्य नेता भी उपस्थित है जहां पर इस सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि चाहे ये उलेमा काउंसिल के मांगों की बात हो या फिर राष्ट्रीय मुस्लिम संघ ने जिस प्रकार का फतवा जारी किया है इसकी बात हो, ये पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में इसका हिस्सा रहा है, इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मुस्लिम संघ जो है वो उसके तरफ से कई एनजीओस द्वारा पत्र जाहिर किए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि किस प्रकार से एमवीए को वोट देना है, लोगों के लिए जानकारी के लिए ये पत्र जाहिर किए गए हैं और एमवीए को वोट देने की बात खुले तौर पर की गई है। और रही बात उलेमा काउंसिल की, जैसा आपने जिक्र किया कई मुद्दों का इसमें बातें कही गई हैं, आरक्षण की बात कही गई है, उलेमा काउंसिल की बात कही गई है, मुस्लिम प्रतिनिधि की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं एमवीए जो है वो मुसलमानों का वोट चाहती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या खुलेआम इस प्रकार से समर्थन हासिल करके मुसलमानों का वोट चाहेगी। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये मुद्दा काफ़ी तेज बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हमने देखा कि पूरे मुंबई में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे, हम एक है तो सेफ है, इस प्रकार के नारे बड़े नेता दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम एनजीओ है, वो एमवीए के लिए तरफदारी कर रहे हैं, उनके वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे ध्रुवीकरण हो चाहे तुष्टिकरण हो, इस चुनाव प्रचार के माध्यम से देखने को मिल रहा है। राजनीति भी जमकर हो रही है, दोनों ही पक्ष इस प्रकार के अपने अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय, और देखिए इस पर अब किस तरीके से रिएक्शन आता है, महाविकास अघाड़ी की ओर से इस पर भी लगातार नजर रहेगी, लेकिन अब महायुति भी इस पर तंज जरूर कसेगा क्योंकि ये सीधे सीधे कहा जाएगा, हमेशा से ही ये आरोप महायुति की ओर से लगाया जाता रहा है कि विशेष समुदाय का समर्थन पाने के लिए जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है महाविकास अघाड़ी, अब जिस तरीके से उलेमा बोर्ड की ओर से समर्थन और साथ साथ शर्तें जो रखी गई है महाविकास अघाड़ी के लिए, अब इस पर महायुति की ओर से जो रिएक्शन आएगा उसमें भी तंज कसा जाएगा, जाहिर सी बात है मृत्युंजय। निश्चित तौर पर इस प्रकार के राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन से ये बातें निकल कर आएंगी। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति गई थी, तब आरोप लगा था वोट जिहाद का, खुद बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि किस प्रकार से कई सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पर वोट जिहाद देखने को मिला, यानी सरल शब्दों में कहें तो माइनॉरिटी मुस्लिम अल्पसंख्यकों का वोट एकतरफा कांग्रेस और गठबंधन दल को गया था, और कहीं ना कहीं वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, अल्पसंख्यकों के वोट हैं, वो एमवीओ को मिले इसके लिए एमवीओ पूरा प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब इसका फायदा उलेमा काउंसिल उठाए कि अगर एमवीए को मुसलमानों का वोट चाहिए तो मुसलमानों के हक में जो बातें हैं उसको लेकर खुलेआम एमवीए के नेता बोलना शुरू करें और ये जो इनकी मांगे हैं उस मांगों पर अमल करें। इसीलिए हम देख रहे हैं कि उलेमा काउंसिल ने लिखित तौर पर ये जो 18 बिंदु हैं ये जनता के बीच में और बड़े नेताओं को पत्र लिखकर घोषित किया है, मीडिया को भी यह पत्र जाहिर किया है और कहा है कि हमारी ये मांगों को पूरा करें तो हम एमवीए को समर्थन करेंगे। लेकिन एमवीए को पता है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में हुआ उसी प्रकार की तस्वीर विधानसभा में बनती दिख रही है, जो अल्पसंख्यक वोट हैं एक बार फिर से एमवीए की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे पर कुछ बयानबाजी करके एमवीए में नहीं फंसना चाहेगी। हालांकि बहुत सेफ लाइन खेलते हुए एमवीए जरूर चाहेगी कि जो अल्पसंख्यकों का एक मुस्त वोट है वो लोकसभा चुनाव में मिला था, बिल्कुल वो महाविकास अघाड़ी को मिले, ये कोशिश होगी एमवीए की ओर से जो की जाती हुई दिखाई भी देगी।